सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की खबरें पाएं सबसे पहले। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे क्रिकेटर से जिसने इतिहास रच दिया, जिसने ऐसी पारी खेली कि पूरी दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई। जी हां, मुंबई की जेमिमा रोडी ग्रेज ने अंडर 19 वनडे महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में 163 गेंदों में 202 रन की तूफानी पारी खेल दी। दाएं हाथ की 17 साल की बल्लेबाज जेमिमा औरंगाबाद में सौराष्ट्र के खिलाफ 50 ओवर के घरेलू मैच में मुंबई की तरफ से खेल रही थी। 13 साल की उम्र में अंडर 19 में पहली बार जगह बनाने वाली जेमिमा ने इस टूर्नामेंट में अब तक 2 शतक जड़ दिए हैं। इस तूफानी बल्लेबाज की फॉर्म का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंडर 19 सुपर लीग मैच में उनका औसत 300 से ऊपर है। जेमिमा ने बहुत छोटी उम्र में ही खेलना शुरू कर दिया था और गेंदबाज के रूप में शुरुआत करने के बाद टॉप ऑर्डर की बल्लेबाज बनी। वह आमतौर पर पारी की शुरुआत करती हैं या तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करती हैं। मुंबई अंडर 19 के कोच जेश डाडरकर अपनी प्रतिभाशाली खिलाड़ी के लिए कहते हैं कि आप बस देखते जाएं, वो टीम इंडिया में खेलने की प्रतिभा रखती है। मुंबई के कोच की बात किसी लिहाज से गलत भी नहीं लगती क्योंकि जेमिमा का प्रदर्शन लगातार शानदार होता जा रहा है। वेस्ट जोन अंडर 19 टूर्नामेंट में गुजरात के खिलाफ इस तूफानी खिलाड़ी ने 178 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यही मिलेंगी।